Fiverr.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। इस बीच बिहार में युवाओं को लुभाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौकरियां बांटी जा रही हैं। महागठबंधन ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बीजेपी ने कहा कि स्किल इंडिया के तहत 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो स्वास्थ्य विभाग में डिग्री लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरियां दी जाएंगी। अभ्यर्थियों को किसी भी बोर्ड या आयोग की प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। सुरजेवाला ने कहा कि इससे अभ्यर्थियों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पूरी की जा सकेगी। कांग्रेस की इस घोषणा पर जेडीयू ने तीखा पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि पहली बात तो ये है कि महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना कतई नहीं है। दूसरी बात ये कि केवल डिग्री देखकर नौकरी देना बिहार की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने कहा कि सरकार बनने के बाद ये फैसला काफी कारगर होगा। जहां तक बात डिग्री लेकर नौकरी देने में खतरे की है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी काबिल लोगों को ही डिग्रियां देती हैं, किसी को यूं ही डिग्री नहीं मिल जाती। बिहार में तो कांग्रेस ने कह दिया कि लोगों को डिग्री लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में 6000 पद खाली हैं। इसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा का अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर 655 भर्तियां निकाली गई थी। युवाओं ने आवेदन भी किया, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, जैसे कि सरकार आवेदन मांगकर भूल गई हो। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने वादा किया था कि 2020-21 में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 2020 खत्म होने को आ गया, नौकरी नहीं मिली। अब पंजाब सरकार कह रही है कि 1 लाख नौकरियों का वादा 2021-22 में पूरा किया जाएगा। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कहा कि युवाओं को 75,000 नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग विभागों में रिक्त पदों के लिए नियुक्तियां की जाने वाली थी। कोरोना संकट के बीच इनमें से कुछ विभागों में भर्ती के लिए परीक्षा ली गई। अब अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं। जब जब चुनाव आते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के खाते में हजारों लाखों नौकरियां होती हैं। सब आगे बढ़कर नौकरियां बांटते दिखते हैं, लेकिन चुनाव बाद ये नौकरियां पता नहीं कहां गायब हो जाती है। आपको पता हो तो बताइएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।